हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम एंथोसेरोट ऑप्सिडा हॉर्नवर्ट्स जो है इसको डिटेल में समझेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर लेक्चर नंबर 5 ऑफ ब्रायोफाइटा सीरीज। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पहले वाले लेक्चर्स भी देख लिए होंगे। अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसीलिए आप पहले वाले लेक्चर्स भी देखो और उसके बाद में ये लेक्चर आप देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शॉर्टे 1.0 बैच लॉन्च हो गई है। इसको कंप्लीट हुए अभी 2.5 महीना होने वाला है। इसके अंदर सीएसएन नेट लाइफ साइंस का फुल लाइव कोर्स आपको मिल रहा है ओनली एंड ओनली इन 999 रुपीज, वो भी पूरे के पूरे 6 मंथ्स के लिए। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो कोर्स है वो इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज testbook.com पे भी सेल हो रहा है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसके अंदर क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैं रिफंड गारंटी भी देता हूँ। तो अगर 7 से 10 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो एंटायर रिफंड आपको दिया जाएगा। डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 185 बच्चे जो है इसके अंदर अभी एनरोल हो चुके हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस 2 गिवन नंबर्स। और इसके साथ साथ शॉर्टे 1.0 बैच का व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया है जिसके अंदर 400 बच्चे जो है जुड़े हुए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आपको सिर्फ सीएसआर नेट के लिए नहीं बल्कि सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि सीएसआर नेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ऑलमोस्ट एनी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नाउ वी विल सी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसको हॉर्नवर्ट्स भी बोला जाता है, और उसका जो कॉमनली स्टडीड एग्जाम्पल है वो है एंथोसेरोस। और हमने हेपेटिक ऑप्सिडा के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, और उसको लिवर वर्ड भी बोला जाता है। इसके अंदर एंथोसेरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ट्स के नाम से बोला जाता है। इसके अंदर गैमेटोफाइट जो है वो फ्लैट होता है, ग्रीन होता है, प्रोस्ट्रेट टाइप का होता है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा अलोंग द सॉइल। थैलॉइड होगा, दैट इज इट इज नॉट अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। डॉर्सो वेंट्रल होगा, मतलब डॉर्सल साइड अपर साइड और वेंट्रल साइड दैट इज लोअर साइड विल बी ऑब्जर्व्ड। डायकोटोमसली ब्रांच्ड, तो इस तरीके का आपको थैलस देखने को मिलेगा, डायकोटोमसली ब्रांच। तो ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले वाले लेक्चर्स में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, उसके बाद में ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंदर देर इज नो डिस्टिंक्ट मिड रिप, जैसे कि हम मर्केंशिया के अंदर हम देखते थे तो उसके अंदर डिस्टिंक्ट मिड रिप आपको देखने को मिल रहा था। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न या फिर ब्रिसल लाइक अपीयरेंस दिखाता है, विच इज कवर्ड विद अ शीट लाइक इन्वोल्यूकर या फिर कैलिप्ट्रा। तो शीत का नाम है इन्वोल्यूकर और कैलिप्ट्रा ऑन इट्स बेस। इसके अंदर मोनोशियस स्पीशीज भी हो सकते हैं और डायोशियस स्पीशीज भी हो सकते हैं। मोनोशियस स्पीशीज मतलब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस, जिसको होमोथैलिक भी बोला जाता है। और डायोशियस मतलब एक आपका जो प्लांट होगा उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और दूसरा प्लांट जो होगा उसके अंदर स्पेसिफिकली आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं हेटेरोथेलिक। अगर कोई स्पीशीज मोनोशियस हुई तो वो जनरली प्रोटेंड्रस होगी। इसके अंदर आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मैच्योर करता है बिफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथेरिडिया, which will mature before the female sex organ, that is archegonia. Ventral surface जो है आपका thallus का, उससे smooth walled rhizoids देखने को मिलेंगे। इसके अंदर tuberculated rhizoids absent होंगे। इसके साथ साथ scales भी इसके अंदर absent देखने को मिलेंगे, ठीक है। Hepatic ऑप्सिडम में smooth walled और tuberculated rhizoid दोनों present थे, उसके साथ साथ scale भी present था। इसके अंदर आप फिर differences अभी देख सकते हैं classes के बीच में। नो सेल्यूलर डिफरेंशिएशन ऑफ थैलस, तो जो मर्केंशिया और रिक्शिया में हम पढ़ते थे कि फोटोसिंथेटिक आपका डॉर्सल रीजन होता था और वेंट्रल रीजन आपका स्टोरेज रीजन होता था, तो इसके अंदर आप वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो ये हम सब कैरेक्टर जो है अगले स्लाइड्स में देखने वाले हैं पिक्चर के साथ।
इसके अंदर एयर पोर्ट्स और एयर चेम्बर भी एबसेंट हो गए। इसके अंदर म्यूसिलेज एक्टिव कैविटीज आपको देखने को मिलेगा विच विल बी फिल्ड विथ योर ब्लू ग्रीन अलगा दैट इज नोस्टॉक, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। और फिर ये कॉलोनीज सॉरी कैविटीज जो है ये ओपन करेंगे ऑन द वेंट्रल बाय स्लिट लाइक स्लाइम पोर्स। कोलोमेला इसके अंदर प्रेजेंट होगा वेरस रिक्शिया और मर्केंशिया के अंदर वो एबसेंट था। कोलोमेला का रोल होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट वाटर कंडक्शन एज वेल एज इट ऑल्सो हैज अ रोल इन स्पोर डिस्पर्सल। इसके अंदर सूडो इलेटर्स देखने को मिलेंगे मतलब ये फॉल्स इलेटर हो गए, ये जो इलेटर्स जैसे दिखेंगे लेकिन ये इलेटर्स नहीं होते हैं, इसको हम बोलेंगे फॉल्स इलेटर्स बिकॉज दे लैक थिकनिंग बैंड्स। तो अगर ये फॉल्स है तो देर विल बी नो रोल इन स्पोर डिस्पर्सल बाय सूडो इलेटर्स। अभी हम फोटोज के साथ एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो है ये समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंथोसेरोस जो कि आपका एग्जांपल है ऑफ एंथोसेरोट ऑक्सीडा, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस तरीके से आपका हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, हॉर्न और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है स्पोरोफाइट का, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट जो है आपका वो गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है, तो ये जो है आपका ये गैमेटोफाइट होगा। और उसके ऊपर जो ये हॉर्न लाइक आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये क्या हो गए, ये स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो थैलस होगा दैट इज मेनली योर गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट के ऊपर आपके स्पोरोफाइट्स देखने को मिल रहे जो कि हॉर्न और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बेस की तरफ योर स्पोरोफाइट इज कवर्ड विथ अ शीट कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा या इनवॉल्यूकर, तो ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं तो ये आपका स्पोरोफाइट जो है इट इज सराउंडेड बाय दिस शीट नोन एज इनवॉल्यूकर या फिर इसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। तो बेस ऑफ स्पोरोफाइट की तरफ आपका वो कवर्ड होगा स्पोरोफाइट विथ एन शीट कॉल्ड एज इनवॉल्यूकर और कैलिप्ट्रा। ये आपका अपर साइड होगा मतलब डोर्सल सरफेस होगा थैलस का, और नीचे वाला साइड जो होगा वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस। डोर्सल मींस ये हो गया आपका अपर साइड। तो ये जो ए वाला डायग्राम है ये आपका थैलस ऑफ इरेक्टस बियरिंग स्पोरोफाइट आपका ये दिखा रहा है, और बी में आपका दूसरा स्पीशीज लिया है उन्होंने ए लिबिस बियरिंग डिहाइसेंट स्पोरोफाइट, तो डिहाइसेंस हो चुका है यहाँ पे तो ये उन्होंने दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज नो क्लियर सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ थैलस, तो मर्केंशिया और रिक्शिया के अंदर जब हम हेपेटिक ऑक्सीडा के अंदर हम जो पढ़ते थे कि उसके अंदर थैलस के अंदर जो सेलुलर डिफरेंशिएशन था वो क्लियरली विजिबल था, मतलब डॉर्सल वाला रीजन वहां पे फोटोसिंथेटिक हुआ करता था और वेंट्रल वाला रीजन जो है वहां पे स्टोरेज रीजन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे सेल जो है आपको रेगुलर ही देखने को मिल रहे हैं। देयर इज क्लियरली नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑब्जर्व, तो आपको क्लोरोप्लास्ट ऊपर की तरफ भी देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट नीचे वाले सेल्स की तरफ भी देखने को मिल रहा है, तो हम ये फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ भी आपको क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज नो क्लियर फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन डिफरेंशिएशन। इसके अंदर भी आप वो सेमी पढ़ोगे कि अपर एपिडर्मिस होगा आपका और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट का जो माइक्रोस्कोप के अंदर वाला जो फोटो है वो भी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गए, कोलेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमा वाले जो सेल्स है वो एब्सेंट हो गए, और नीचे की तरफ वेंट्रल
साइड की तरफ आपको म्यूसिलेज कैविटी देखने को मिलेगी। तो म्यूसिलेज कैविटी के अंदर अल्गल कॉलोनीज प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर आपको म्यूसिलेज के अंदर आपको ब्लू ग्रीन अल्गी जो है आपका नॉस्टॉक ये देखने को मिलेगा। ये म्यूसिलेज कैविटी जो है इट विल ओपन एट द आउटसाइड बाय स्लाइम पोर और लोअर एपिडर्मिस सबसे नीचे की तरफ वेंट्रल साइड की तरफ होगा और लोअर एपिडर्मिस से आपके जो राइजोइड से वो निकलेगे बाहर। और ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे ये स्मूथ वॉल्ड हो गए बिकॉज ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स आर एब्सेंट इन हॉर्नवर्ड्स। और ये जो ऊपर वाला जो साइट होगा ये होगा आपका डॉर्सल साइट, ठीक है। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि स्केल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। तो यहां से सवाल आ सकता है क्योंकि ब्रायोफाइट्स दो तीन बार पूछा गया है सीएसआर नेट के लिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम बात करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट इज कंसिडर्ड एज सेमी पैरासाइट। जो हेपेटिक ऑप्सिडा के अंदर हम पढ़ते थे कि स्पोरोफाइट इज कंसिडर्ड एज पैरासाइट, यहाँ पे वो सेमी पैरासाइट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि योर स्पोरोफाइट विल नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पोर। तो ऐसा स्पोरोफाइट के अंदर क्या जादू हुआ कि वो अभी गैमेटोफाइट पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके अंदर ऐसा क्या एटीट्यूड आ गया, तो ये हम देखते हैं। पहली बात, स्पोरोफाइट जो है आपका एंथेरो सेरोट ऑप्सिडा के अंदर, तो क्यूटिकल इनके अंदर प्रेजेंट हो जाता है, तो क्यूटिकल की वजह से आपका जो लॉस ऑफ वाटर है वो प्रिवेंट हो जाएगा और उसके साथ साथ अभी वो पानी भी कंजर्व कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट आपका हेपेटिक ऑप्सिडा में भी प्रेजेंट था, लेकिन इसके अंदर आपका जो क्लोरोप्लास्ट होगा हर एक सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज डिस्कोइड और ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट हो गए जो कि मिसिंग थे इन हेपेटिक ऑप्सिडा क्लास। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर स्टोमेटा भी आ गया, तो आपका हेपेटिक ऑप्सिडा वाला जो क्लास था उसके अंदर सिर्फ पोर्स प्रेजेंट थे, ट्रू स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट था। इनके अंदर अभी स्टोमेटा भी आ चुका है, तो गैसियस एक्सचेंज जो है आपका वो हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा से एंटर करेगा लीफ के अंदर और फिर आपका फोटोसिंथेसिस जो है ये देखने को मिलेगा। हालांकि लीफ नहीं होगा इनके पास, वो प्लांट के अंदर जो है एंटर करेगा स्टोमेटा से और फिर आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो होगा। इनके अंदर एक और खास प्रॉपर्टी आ चुकी है, इसके वजह से आपको थॉर्न लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है ये प्लांट के अंदर, क्योंकि इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है बिटवीन फूट एंड स्पोर्स रीजन। ये सेल्स आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा डिवीजन दिखा सकते हैं और इनडेफिनाइट डिवीजन दिखा सकते हैं, ग्रोथ दिखा सकते हैं। इसकी वजह से स्पोरोफाइट में रिपीटेड इनडेफिनाइट डिवीजन की वजह से उनको उनका ग्रोथ इतनी तेजी से होता है कि वो बहुत बड़े और लंबे जो है हो जाते हैं, तो लॉन्ग और हॉर्न लाइक अपीयरेंस वो दिखाएगी बिकॉज ऑफ इनडेफिनाइट ग्रोथ ऑफ कैप्सूल। स्पोरोफाइट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की वजह से भी आपके ग्रो हो सकते हैं, उसके साथ साथ इनका जो अपाइकल पोर्शन होगा स्पोरोफाइट का उनके अंदर भी आपके अपाइकल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो वो भी आपका ग्रोथ जो है वो दिखाते हैं। जस्ट लाइक हेपेटिक ऑप्सिडा की क्लास में हम पढ़ते थे कि अपाइकल नॉच के आसपास जो आपके अपाइकल पोर्शन होगा उनके अंदर अपाइकल सेल्स थे, वो अपाइकल सेल्स ग्रोथ दिखा रहे थे और उनके वजह से आपका थैलस का ग्रोथ हो रहा था। तो इनके अंदर दो तरीके के सेल्स है, अपाइकल सेल्स की वजह से भी ग्रोथ होगा और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से भी ग्रोथ होगा। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये आपका स्पोरोफाइट है, इसके अंदर ऊपर ऊपर से समझना है, ज्यादा आपको डेप में नहीं जाना है। ये थैलस वाले सेल्स है, उसके अंदर आप अगर देखोगे तो फूट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और कैप्सूल जो है वो सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, तो कैप्सुलर वॉल जो है आपका ये देखने को मिलेगा क्योंकि स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इंटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। तो आपका फूट जो है ये धसा हुआ होगा इनसाइड द गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट के अंदर आपका फूट वाला पार्ट क्या होगा, धसा हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और फिर आपका एट द बेस ऑफ द फूट योर स्पोरोफाइट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ शीट कॉल्ड एज इनवोल्यूकर, या फिर इसको हम कैलिप्टरा भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा बिटवीन फूट एंड स्पोर। फिर आपका जो स्पोरोजिनस लेयर है जो कि यहाँ पे है, स्पोरोजिनस लेयर आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉलमेला एंड कैप्सूल।
ठीक है। तो कैप्सूल का वॉल आप देख सकते हैं, कैप्सूल का वॉल दूसरे कलर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये कैप्सूल का वॉल है यहाँ पे, और आपका कॉलमेला जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका कॉलमेला और कैप्सूल के बीच में, ये जो कैप्सूल है ये कैप्सूल वॉल, और आपका ये जो है ये कॉलमेला यहाँ पे। तो कॉलमेला और कैप्सूल के बीच में आपको स्पोरोजिनस लेयर जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। मैं इलेटर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सूडो इलेटर्स ही होते हैं। तो सूडो इलेटर्स मतलब फॉल्स इलेटर सेल्स देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ फिर अगर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल्स हो गए, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपके जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो दो तरीके के सेल्स दिखा सकते हैं। आपका स्पोरोजिनस टिश्यू से एक तो स्पोर मदर सेल बनेगा या तो इलेटर सेल बनेगा। तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल बनेगा और सूडो इलेटर सेल बनेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसके अंदर समझना है। और ये पिक्यूलियर फीचर जहां से सीएसएन नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट बी के अंदर उन्होंने आपको ये पूछा था कि एंथोसेरोट ऑप्सिडा के अंदर एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उनके अंदर पाइरेनॉइड होगा या नहीं होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था, और आप खुद देख सकते हैं कि अपन कितना डेप्थ में ये सब पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको डाइवर्सिटी पढ़ना है तो ये लेक्चर सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको। ये आप करके जा सकते हैं, तो ये आपका चॉइस है। क्योंकि मैं पर्सनली सीएसएन नेट के बच्चों को डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोरिंग टॉपिक्स है, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप इनके वजह से जो मेन मेन टॉपिक्स है वो भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका चॉइस है, आप ये भी करके जा सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये आप कंटेंट रेफर करके जाओ, 100% क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट का या फिर ये सेल्स जो है आपके एंथोसेरोस फ्यूजीफॉर्मिस स्पीशीज के आपके ये सेल्स है। आप ये देख सकते हैं कि हर एक सेल के अंदर केवल एक क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है, और वो क्लोरोप्लास्ट का साइज भी देखो कि वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब ओवॉइड और डिस्कॉइड शेप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो आपका हेपेटिक ऑप्सिडा था या फिर आपका मर्केंशिया रिक्शिया था, तो उनके अंदर एक सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे, 4 या 5 क्लोरोप्लास्ट एटलीस्ट आपको देखने को मिलते थे, और वो क्लोरोप्लास्ट जो है उनके अंदर पाइरेनॉइड्स एब्सेंट था। इनके अंदर एक सेल के अंदर सिर्फ एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, और वो भी पाइरेनॉइड्स के साथ। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे आया तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये 4 तरीके से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन, तो अगर कोई आपका पार्ट फैलस का वो सड़ जाता है या खराब हो जाता है, और अगर आप वो ग्रो करते हो तो वो ग्रो हो सकता है बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ट्यूबर्स, ट्यूबर का फॉर्मेशन होगा अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। वो ट्यूबर जो है अगर जमीन पे ग्रो किया आपने फेवरेबल कंडीशन के अंदर, तो वो आपका गैमेटोफाइट बना सकता है। वैसे ही जेमा जो है, जेमा के मदद से भी आपका न्यू गैमेटोफाइट बन सकता है। और परसिस्टेंट अपाइसिस, इसका मतलब मान के चलो कि सारा प्लांट आपका खराब हो गया, लेकिन सिर्फ अपाइकल पोर्शन अगर जिंदा है तो अपाइकल सेल्स के वजह से आपका सेल डिवीजन होगा, और उसकी वजह से नया गैमेटोफाइट बनेगा। अगेन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आसान है बहुत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल ओ गैमस टाइप, तो ये अभी तक वही फॉलो किया जा रहा है, प्रीवियस क्लासेस में भी यही फॉलो किया जा रहा था। अभी इसमें हम कुछ डिफरेंसेस समझेंगे। सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे एम्बेडेड हो गए इन साइड द थैलस, रिक्शिया के अंदर एम्बेडेड थे, एंथोसेरोट ऑप्सिडा के अंदर एम्बेडेड है, लेकिन मर्केंशिया के अंदर आप ये देख सकते थे कि वो थैलस से ऊपर उठ के स्टॉक के थ्रू आपके सेक्स ऑर्गन जो है ऊपर की तरफ थे, वो एम्बेडेड नहीं थे। तो ये आपको छोटे छोटे पार्ट जो है, ये पॉइंट जो है, ये आपको याद रखना। एंथीरिडिया जो है मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप करेगा फ्रॉम डोर्सल सर्फेस ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स, वेर एज आर्किगोनिया विल डेवलप फ्रॉम द डोर्सल सर्फेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपका मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा, मेल सेक्स ऑर्गन हाइपोडर्मल सेल्स मतलब एपिडर्मल सेल्स के नीचे जो आपके हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होगी, वहां से आपका मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, दैट इज एंथेरिडिया। और आपके जो डॉर्सल, ये भी डॉर्सल सरफेस ऊपर वाला जो अपन ने पहले देखा था लेबल किया हुआ,
तो ये ऊपर वाला जो है ये डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। इसके साथ साथ जो अपर एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मल सेल से आपको पता है यहां से आपका आर्किगोनियम जो है ये बनेगा, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका एपिडर्मल सेल से बनेगा। अगेन मुझे नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीएसएन नेट में मेनली ब्रॉड कैरेक्टर्स के ऊपर ही वो सवाल पूछते हैं, लेकिन जो बॉटनी वाले बच्चे हैं कि जो स्पेसिफिकली सिर्फ बॉटनी वाली एंट्रेंस एग्जाम दे रहे, तो उनके अंदर ये, उनके एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि एम्बेडेड है या नहीं, किससे बनेंगे वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। एंथेरिडिया जो है ये ओवॉइड होता है, और इसके साथ साथ इट विल अराइज ऑन मल्टी सेल्यूलर शॉर्ट और लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक इज इनक्लोज्ड विद इन एंथेरिडियल चेंबर। एंथेरिडिया इज कवर्ड बाय सिंगल स्टेरल जैकेट लेयर। एंथेरिडिया एंड्रोसाइट मदर सेल्स विच गिव राइज टू एंथेरोजॉइट्स, और एंथेरोजॉइट्स आर नथिंग बट स्पर्म्स। ये जो है आपका हैप्लॉइड होगा, यूनिन्यूक्लियर होगा, यूनिसेल्यूलर होगा, बायफ्लैजिलेट होगा, और ये लीनियर बॉडी होगा। हेपेटिक ऑप्सिडा के अंदर स्पाइरल बॉडी था, इसके अंदर लीनियर बॉडी है। तो आपको मेन मेन डिफरेंसेस जो है वो आपको सब सिर्फ समझने, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है आपका एंथोसेरोस के अंदर। एंथोसेरोस क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ योर हॉर्नवर्ड्स या फिर एंथोसेरोट ऑप्सिडा क्लास। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक इसके अंदर नजर आ रहा है, जिसको मैं एंथेरिडियल स्टॉक बोलूंगा। योर एंथेरिडियम इज इनक्लोज्ड इन एंथेरिडियल वॉल, तो ये एक वॉल होगा, इसके अंदर आपका एंथेरिडियम जो है प्रेजेंट होगा। और ये भी आप बोल सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल स्टेराइल जैकेट, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जैकेटेड हो गए, ये जैकेटेड होगा। स्टॉक आपका मल्टीसेल्युलर होगा, और आपका एंथेरिडियम के अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स हो गए, और उसके साथ साथ एंड्रोसाइट मदर सेल्स हो गए, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपका रूफ होगा, और ये पार्ट धसा हुआ होगा किसके अंदर, एम्बेडेड इन डॉर्सल साइड ऑफ थैलस। और आपके एंथेरोजॉइड जो है वो कैसे निकलते हैं, जो ऊपर का रूफ जो होता है वो रप्चर हो जाता है, और एंड्रोसाइटिक मास रप्चर होने के बाद आपके जो एंड्रोगोनियल सेल जो है वो बाहर निकलेंगे, और एंड्रोगोनियल सेल इज नथिंग बट दिस, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये मैच्योर स्पर्म है, जिसको एंथेरोजॉइड बोला जाएगा, और ये यूनिसेल्युलर होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, इसके साथ साथ स्पाइरल सॉरी लीनियर बॉडी होगा इसका, और आपका ये बायफ्लैजिलेट होगा। तो ये हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे आर्किगोनियम, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर 2 से 4 कवर सेल्स हो गए, 4 से 6 नेक कैनल सेल्स हो गए, वेंटर कैनल सेल एंड एन एग इन वेंटर। हालांकि ये प्रॉपर्टी हमने पिछले हेपेटिक ऑक्सीडा के क्लास के अंदर भी देखा था, उसके अंदर भी ये सेम है, सिर्फ माइन्यूट डिफरेंसेस है इसके अंदर। और आर्किगोनिया इज नॉट कवर्ड बाय अ डिस्टिंक्ट स्टेराइल जैकेट लेयर, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो मर्केंशिया रिक्शिया था उनके अंदर हमने ये देखा था कि दोनों मेल और सेक्स ऑर्गन जो है दे आर बोथ हैविंग, या फिर वो बोथ जो है दे वर एनक्लोज्ड इन स्टेराइल जैकेट लेयर। लेकिन एंथोसेरोट ऑप्सिडा के अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन जो है इट विल बी कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर, वेर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन विल नॉट बी कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर। ये आपको समझना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो है कवर सेल होगा, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ब्रॉड पोर्शन है नीचे की तरफ, इसको आप वेंटर बोलते हैं। वेंटर जो है इट विल इनक्लोज फीमेल गैमेट दैट इज एग, और ये लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक नजर आएगा आपको, ये 4 से 6 सेल्स का आपको देखने को मिलेगा। तो नेक के अंदर वाले सेल्स को हम बोलेंगे नेक कैनल सेल्स, और जो वेंटर साइड की तरफ जो आपका सेल होगा उसको मैं बोलूंगा वेंट्रल कैनल सेल। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। और इसके अंदर आप ये भी लिखोगे कि जैकेट इज एब्सेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी एम्बेडेड है किसके अंदर, डॉर्सल साइड ऑफ थैलस।
और ये आपका हो गया खत्म। तो मेन मेन पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत दो दो तीन तीन बुक्स में ढूंढ के आपके लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ, और ये मोर देन इनफ है, आपका बहुत टाइम बचेगा। आप अल्गी, फंजे और प्लांट किंगडम पढ़ के जा सकते हैं, एनिमल किंगडम का ऑप्शन पे डाल सकते हैं, या फिर आप एनिमल किंगडम पढ़ो और प्लांट किंगडम को ऑप्शन पे डालो, तो दोनों आप अगर पढ़ोगे तो वो याद नहीं रहेगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है याद रखना, ठीक है। इसके अंदर हर एक क्लास आपको पढ़ना होगा, उसके साथ साथ आपको बाकी के यूनिट्स भी पढ़ने हैं, और इसका वेटेज बहुत कम है। मतलब प्लांट किंगडम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और एनिमल किंगडम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। जो बाकी के चार क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी के अंदर, उसमें से एक बायोम्स के ऊपर आता है, एक आता है फिर आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे, तीसरा क्वेश्चन फिर वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर पूछ लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो वेटेज है इसका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का, स्पेशली इन सीएसआर नेट, वो बहुत कम है। गेट के अंदर भी अगर आप पूछोगे तो गेट लाइफ साइंस के अंदर जो बॉटनी वाला सेक्शन है उसमें अगर आप एनालिसिस देखोगे लास्ट 10 ईयर्स के, तो सिर्फ मैक्सिमम दो क्वेश्चन आते हैं या फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से प्लांट किंगडम से, ठीक है। तो वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर करके जाए, लेकिन अगर आप कोई बॉटनी से रिलेटेड स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आपका JNU के अंदर बॉटनी वाले एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, CUET PG बॉटनी वाला होता है, तो उसके लिए जो है वो बच्चों के लिए हेल्प करेगा। MSc BSc बॉटनी के बच्चों के लिए भी ये हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप CSNET DBT ICMR ये सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर ये आपके ऊपर होगा डिसीजन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक आएगा पार्ट सी के अंदर, और एक बन सकता है पार्ट बी के अंदर, उससे ज्यादा यहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ ब्रायोफाइट्स की बात की, इसके अंदर एक और क्लास आपका बच गया है, उसके बाद में ब्रायोफाइट्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं अल्गी का डालूंगा, फंजाय का वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद में हम जिम्नोस्पर्म, टेरिटोफाइट और एंजियोस्पर्म खत्म करके प्लांट किंगडम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।